महिला किसी भी धर्म की हो, महिला महिला होती है, और महिलाओं पर अत्याचार होना यह बहुत दुखद बात है। और सब लोग कह रहे हैं कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोला और मणिपुर पर क्यों नहीं गए, तो हम एक साथ ही कह देते हैं, चाहे ये घटना मणिपुर की हो, चाहे ये घटना हाथरस की हो, चाहे यह राजस्थान की हो, चाहे यह देश के किसी भी कोने की महिला हो, महिलाओं का मुद्दा केवल एक महिला जाति है, इसको जातियों में बांटकर, हिंदू सिख ईसाई में बांटकर इसको देखना बिल्कुल गलत है। महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, उस पे जांच होनी चाहिए, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे ये संदेश खाली की घटना हो। देखिए, हम बार बार यह कहते हैं, संदेश खाली की घटना एक तरह से अलग है और मणिपुर की जो घटना है वो जघन्य घटना है। वो इस दोनों को अलग अलग भागों में रखना चाहिए। यहाँ पे एक महिला के साथ नहीं, उस संदेश खाली जो क्षेत्र है उसके समस्त महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं, जबरन मारपीट करना, धमकाना, एक तरह से वहां पे एक गुंडा स्थापित करना, ये और उनके पतियों को पकड़कर पीटना, अगर महिलाएं उनको खुश नहीं करती थी तो उनके पतियों को मारना पीटना और उनको बच्चे को अगवा करने की धमकी दिया करता था टीएमसी के नेता का इतना रसूख बढ़ गया कि वो जिसकी चाहे दुकान बंद करवा दे, जिसकी चाहे दुकान खुलवा दे, उसके इशारे पर ही वहां के लोगों का घर बन सकता था और उसके इशारों पर ही वहां के लोगों का घर नहीं बन सकता था। वहां पे उसके सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी वगैरह की कई दुकानें खुल गई और उसका कहना यही है कि जो भी घर बनाए वो उसी के यहां से जमीन के लिए वो कट मनी देगा और वहां से वो अरे पौने पौने दाम पर, जो बेसी दाम लेकर उसके यहां से जो बाकी चीजें हैं उसको खरीद कर ही घर बनाएगा। वेस्ट बंगाल की किसी भी कोने में चल जाइए, हम बाकी क्षेत्रों में कहीं जाते हैं तो हमारा जमीन है, हम घर बनाए चाहे कुछ करें, उसे किसी को मतलब नहीं रहता, परंतु वेस्ट बंगाल में एक तरह से कट मनी चलता है। कट मनी इस तरह से चलता है कि आपका खुद का जमीन है और जब आप घर बनाने जाइएगा तो टीएमसी के कई लोग आ जाएंगे और कहेंगे इतना पैसा दो तब एक ईंट रख पाओगे, वरना उस पर रोक लग जाएगा, वो घर नहीं बनेगा। 30,000, 40,000, 1,00,000, 1.5 लाख जैसी जिसकी हैसियत है उस तरह से वहां के लोगों से जो घर बनाने वाला है, चाहे कोई भी चीज खोलने वाला हो, उससे कट मनी लिया जाता है और उसके बाद ये घर बना पाते हैं। ये मैं मामला कोई हवा हवाई में नहीं कह रहा, मैं वहां पे जिंदगी का 6 साल बिताया है, कई क्षेत्रों में मैंने घूमा है और वहां पे यही स्थिति है। वहां के आम पब्लिक से हमने बात चर्चा की है, वहां पे यही होता ही आ रहा है। हम जब वहां पे रहते थे, पढ़ाते थे, तो लगभग 100-150 घर में मुझे आना जाना और उनके रिश्तेदार, उनके सारे लोगों से बातचीत करना, व्यवहार, ये सब मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहां का सिचुएशन क्या है। हमारे आंखों के सामने बैलेट पेपर चोरी होते हुए देखा, हमने अपने आंखों के सामने कई लोगों की हत्या कर होते हुए देखा, ऐसी विभिन्न घटनाएं हैं जो हम सबने देखा, सबने सुना, परंतु किसी को वहां पे इस पे आवाज उठाने में इतनी डर लगती है कि वहां पे एक ऐसा तरह का शासन चलता है कि आपको कभी भी उठाकर आपकी हत्या कर दी जा सकती है।